यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के जितने भी महत्वपूर्ण राशियां हैं ना, जो बार बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी को सीखने वाले हैं। तो यदि आप यह चाहते हैं कि भौतिकी के सभी महत्वपूर्ण राशियां आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, और न केवल राशियां याद हो जाए बल्कि उसका संकेत और मात्रक सब कुछ याद हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर 35 को महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक और उसके संकेत को सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को सीखते हैं। तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले नंबर पर रखा है लंबाई को। लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और इसका संकेत क्या होता है? तो संकेत होता है छोटा एम। और देखिए, यहाँ पर मैं जिस तरह से लिखा हूँ ना, उस तरह से आप लोग भी लिखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं छोटा एम लिखा हूँ, तो आप लोग भी इसका मीटर का जब भी संकेत लिखिएगा तो छोटा एम लिखिएगा। यहाँ पर मैं केजी का संकेत लिखा हूँ, के बड़ा में और जी छोटा में, तो आप लोग भी जब भी केजी का संकेत लिखिएगा तो के बड़ा में और जी छोटा में इसी तरह से लिखिएगा। तो हमारा सबसे पहला राशि कौन सा है? पहला राशि है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर और संकेत होता है एम। उसके बाद दूसरा राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा यानी कि केजी, और संकेत क्या होता है? के और जी। और हाँ, देखिए यहाँ पर यह सब जो भी मात्रक है ना, यह सब इसका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? तो यह सब इसका एसआई मात्रक है, यानी कि वह मात्रक है जो पूरे विश्व में मान्यता है। ठीक, यह सब जो मात्रक है ना, इसका आप मान्यता पूरे विश्व में, कहीं पर भी आप लंबाई मापिएगा ना विश्व में, पूरे कहीं पर भी, तो आप मीटर में मापिएगा विश्व में, पूरे कहीं पर भी यदि आपको द्रव्यमान मापना होगा तो आप केजी में मापेंगे। समय को आपको जब भी मापना होगा पूरे विश्व में कहीं पर भी, तो आप किस में मापेंगे? तो सेकेंड में मापेंगे। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक है सेकेंड। इसे किससे सूचित किया जाता है? तो सेकेंड को छोटा एस से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है ताप। ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक है केल्विन, और इसका संकेत क्या है? तो बड़ा वाला के है। उसके बाद अगला है विद्युत धारा। क्या है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। संकेत क्या है? तो संकेत है बड़ा वाला है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है, और संकेत क्या है? तो संकेत है बड़ा वाला है। उसके बाद अगला है ज्योति तीव्रता। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है कैंडेला। संकेत क्या है? तो संकेत है छोटा सी और छोटा डी, ठीक, दोनों एक साथ। उसके बाद अगला है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है मोल। संकेत क्या है? तो एम ओ एल, यह सब छोटा में है। उसके बाद अगला है तलीय कोण। तलीय कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। संकेत क्या होता है इसका? तो आर ए टी। उसके बाद अगला है घन कोण या फिर ठोस कोण। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है स्टेरेडियन। संकेत क्या है? तो एस आर डी। उसके बाद अगला है विद्युत बल। तो विद्युत बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन। देखिए यहाँ पर इसको मैं क्यों लिखा हूँ, यह आपको कंफ्यूज कर देगा। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, अब यहाँ पर जोड़ दिया है विद्युत बल, तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और समझेंगे कि इसमें विद्युत जुड़ गया है तब इसका हो सकता है मात्रक बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। विद्युत बल रहेगा ना तो इसका भी मात्रक होगा न्यूटन ही, और इसका संकेत बड़ा वाला एन। उसके बाद है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, और इसका संकेत होता है बड़ा वाला डब्ल्यू। इसके बाद अगला है बल। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जिसे एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है कार्य। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, जिसे जे से सूचित किया जाता है। उसके बाद है ऊर्जा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है जूल, जिसे जे से सूचित किया जाता है, और यह जो जे है ना, यह बड़ा वाला जे है, ठीक। उसके बाद अगला है शक्ति। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, जिसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है आवृत्ति। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज,
जिसे बड़ा एच और छोटा जेड से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है प्रेरक, तो इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी, जिसे एच से सूचित किया जाता है। उसके बाद है संवेग, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। संकेत क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से के एगो बड़ा में रहेगा, उसके बाद सब छोटा में है, और यह वाला चिन्ह को ना प्रति पढ़ा जाता है। और हाँ देखिए, हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह से संकेत ना मिलकर इस तरह से मिल जाए, केजी मीटर और एस पर माइनस वन रहे, तो जब इस तरह से रहता है ना माइनस वन, तो इसका भी मतलब वही होता है प्रति। ठीक, इस तरह से यह बाटा में है एस, ठीक, इसका मतलब वही होता है। उसके बाद अगला है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्र क्या होता है, तो किग्रा वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। क्या कोणीय संवेग का एसआई मात्र क्या होता है, तो किग्रा वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, और इसका संकेत क्या है, तो संकेत है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला है जड़त्व आघूर्ण, इसका मात्र क्या है, तो इसका मात्रक है किग्रा वर्ग मीटर यानी कि केजी मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड, आर ए डी सेकेंड इनवर्स भी इस तरह से कह सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं आर ए डी प्रति सेकेंड। यह मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, या तो इस तरह से रहेगा या फिर इस पर माइनस एक रहेगा। उसके बाद अगला है वेग, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, जिसे एम प्रति एस से सूचित किया जाता है। वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला है त्वरण, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि एम प्रति एस स्क्वायर, इस तरह से इसको सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है आवेग, तो आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। क्या, तो न्यूटन सेकेंड, संकेत बड़ा वाला एन और छोटा वाला एस। उसके बाद अगला है प्रकाश तरंग दैर्ध्य, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है एंगस्ट्रम। क्या, तो यह होता है एंगस्ट्रम, जिसे ए लेकर इसके ऊपर इस तरह से गोल जैसा बनाया हुआ रहता है। उसके बाद अगला है प्रदीप्त घनत्व, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है लक्स, जिसे एलेक्स द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है ज्योति फलक्स, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, लुमेन होता है, जिसे एल एम द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है चुंबकीय फलक्स, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जिसे डब्ल्यू बी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो पास्कल, जिसे पीए द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है सयानता, तो सयानता का एसआई मात्रक क्या है, तो सयानता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, जिसे एनएस प्रति एम स्क्वायर द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। उसके बाद अगला है विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो फैराडे है, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला है विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है, जिसे इस तरह से सूचित किया जाता है, यह ओम का चिन्ह है। उसके बाद है विभवांतर, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, जिसे बड़ा भी द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद अगला है आवेश, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है, यह है कूलम, जिसे सी द्वारा सूचित किया जाता है।